हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी गाइडेंस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 1 केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का बेस्ट नोट्स देखने वाले हैं। ये एक बेस्ट हैंडराइटिंग नोट्स है, उसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें बताए जाएंगे। तो गाइस, वीडियो को फुल देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो फर्स्ट आपका है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन इसकी पढ़ लीजिएगा विथ एन एग्जांपल। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड इसी तरह अगर हम देखें तो इसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो आप इसे देख लें। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स से तो कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट बाई चांस पूछ लेता है बोर्ड एग्ज़ाम में 5 to 4 years के गैप में। एंड अगर नेक्स्ट टॉपिक हम देखें तो केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन जो आपका है, ये भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम में इससे डेफिनेशन पूछ लेता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एंड बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। गाइस, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड टाइप्स इसके देखें तो कम्बिनेशन, डिस्प्लेस, डिकम्पोजिशन, थर्मल। थर्मल आपका इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपका डिस्प्लेसमेंट पूछता है एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये आपका डिफरेंस पूछता है। रिडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ लेना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी, नोट्स आपको बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसमें तो रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड बाय, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बीएचसी एंड बीएसटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लें। एंड एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस, ये थे आपके चैप्टर 1 के नोट्स। Thanks for watching my videos and subscribe my channel.